एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आज मेरा पोहा खाने का बहुत मन हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज पोहा बनाया जाए और ये इजी सी रेसिपी आप लोग से भी शेयर की जाए, क्योंकि मैं तो आपसे हर बात शेयर करती हूँ, तो ये रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो गाइस, पोहा बनाने के लिए सबसे पहले हम पोहा को अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे दो बार पानी में। उसके बाद हम पोहा को अच्छे से निचोड़ के उसका सारा पानी निकाल देंगे और एक अलग प्लेट में रख देंगे। तो गाइस, पोहा को मैंने अच्छे से धुल लिया है। अब इसमें क्या क्या डालेंगे, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, इसमें डालेंगे हरी मिर्च, प्याज, हरी धनिया, जीरा, हल्दी पाउडर और ये मूंगफली का दाना, जिसको हम पहले फ्राई करेंगे। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। सो गाइस, इसमें अब डाल रही हूँ मैं रिफाइंड ऑयल, थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं। सो गाइस, अब हम मूंगफली के दाने को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। जब इसका कलर चेंज होगा तो इसका मतलब ये अच्छे से भून गया है। तो गाइस, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है, ये हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। तो चलिए इसको हम एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो गाइस, अब हम सबसे पहले जीरा डालेंगे, उसके बाद हरी मिर्च और उसके बाद हम प्याज डाल देंगे और प्याज को हम फ्राई कर लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर में ना हो जाए। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये हल्का ब्राउन कलर हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, उसके बाद हम डालेंगे पोहा जो हमने धुलकर रखा था, डालेंगे इसमें मूंगफली का दाना और उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप स्वाद अनुसार डालिएगा। उसके बाद हम इसको अच्छे से चला देंगे ताकि नमक मिक्स हो जाए अच्छे से। फिर लास्ट में हम इसमें डालेंगे हरी धनिया। तो गाइस, ये देखिए हमारा पोहा एकदम बनके रेडी हो गया है, कितना अच्छा खिला खिला पोहा बना है। तो गाइस, इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी नमकीन डालेंगे, अगर आपको ज़्यादा डाल के पसंद है खाना तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो गाइस, ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है पोहा। तो गाइस, अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।